mabitikitchen.com में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट अपलोड देखने। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूँ दो चीजों से बहुत ही टेस्टी मिठाई, जिसे मैंने सिर्फ दो चीजों से बनाई है और देखें ये कितनी सॉफ्ट और कितनी मुलायम है। इसका टेस्ट बिल्कुल रसगुल्ले की तरह है। तो चलिए अब हम बनाते हैं इस दो चीजों से बनी मिठाई को। तो हमने यहाँ पे एक पैन लिया है और पैन में डालेंगे बारीक वाली सूजी एक कटोरी। सूजी को हम लगातार चलाते हुए भूंज लेंगे और हमें इसको इसका कच्चापन दूर करना है और लगभग 3 से 4 मिनट तक हम इसे भूंजेंगे। आंच को हम मीडियम ही रखेंगे। और सूजी को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। और अब हम इसमें डाल देते हैं 1 गिलास दूध। और दूध डालने के बाद हमें इसे लगातार चलाते रहना है ताकि इसमें गुल्ठियां ना पड़े। आंच को हम धीमा ही रखेंगे। और इसी तरह चलाते हुए हमें इसे हलवा के जैसे पकाना है, जैसे हम हलवा पकाते हैं। और देखें चलाते चलाते ये थिक होने लगा है, पर हम इसे थोड़ा और भूंजेंगे इस तरीके से। 1-2 मिनट तक हम इसी तरह चलाते हुए भूनते रहेंगे। और 1 से 2 मिनट हो गए हैं, हमने इसे भूंज लिया है। अब हम इसे ढक के रख देते हैं। और हमने यहाँ पे एक भगोना लिया है और इसमें डालेंगे 1 कटोरी सूजी, लगभग 250 ग्राम चीनी और साथ में डाल देते हैं 1 गिलास पानी। और हम इसे चलाते रहेंगे ताकि चीनी अच्छे से घुल जाए। अब हम इसे चलाते हुए इसकी चाशनी बना लेते हैं और देखें इसका हल्का कलर चेंज हो गया है। तो इसे अब हम हाथों से भी चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए चिपचिपी चाशनी, जैसे रसगुल्ला की होती है, या हल्का सा तार बनने लगे, बस हमें इसी तरह की चाशनी चाहिए है। और अब हम गैस को बंद कर देते हैं। अब सूजी भी हमारी काफी ठंडी हो गई है, ये हल्की गर्म है, तो इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में। अब प्लेट में निकालने के बाद देख लेते हैं सूजी को। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी और साथ में डाल देंगे 2 चम्मच मिल्क पाउडर, इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। और डालेंगे आधी छोटी चम्मच इलायची का पाउडर